Sydney brings Upparte Sitare, a tailor-made scheme for funding MS. हेलो दोस्तों, तो एग्ज़ाम जो है वो हमारे बहुत पास में है और उसके लिए जो हमारी ये सीरीज़ है रिवीजन, हम लोग आज 9 बजे भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट से सारे क्वेश्चन यहाँ पे जवाब देने हैं आपको और बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस सेशन को और सारे क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आप देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोडियम मेटल स्टोर्ड। जो सोडियम है इसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे? कैरोसिन में, ड्राई एयर है, वाटर है, अमोनिया। सोडियम इज स्टोर इन विच प्लेस? तो सोडियम का फॉर्मूला Na होता है और एक ऐसा मेटल जिसको हम लोग नाइफ से जो है वो कट कर सकते हैं, ये जो सोडियम है इसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे? तो गाइस जल्दी से सभी को जवाब देना है, क्या होना चाहिए? तो अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम मेटल की बात करेंगे तो सोडियम जो है इसको हम लोग जहां पर स्टोर करते हैं वो है कैरोसिन। तो कैरोसिन में हमारे सोडियम को स्टोर करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे कैरोसिन के ऊपर टिक कर पाएंगे, ए नंबर ऑप्शन सही है। तो सोडियम जो है ये कैरोसिन में आपका स्टोर किया जाता है, याद रखिएगा, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन द बायोगैस प्लांट? बायोगैस प्लांट जो है इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है या पॉलीमराइजेशन होता है? बायोगैस प्लांट जो है इनमें से कौन सा प्रोसेस आपको दिखाई देगा? तो गाइज अभी हम लोगों ने देखा होगा कि बजट में हमारे बायोगैस प्लांट की बात की गई थी और काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट जो होता है उसमें हम लोग जो कंपोस्ट होता है उसको हम लोग यहां पर स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद से उससे हमारी बायोगैस बनती है। तो बायोगैस जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं? तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए फर्मेंटेशन इज करेक्ट आंसर, ए नंबर आपको यहां पे टिक करना है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द बायोगैस, ए नंबर इज करेक्ट। यहां पे हमारे सामने थ्रस्ट एंड द सेटिसिटी लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? फोर ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला है या ऑप्टिकल लोब है? तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले, हार्ट बीट को ये कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले रीजन में होते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर इज राइट। जोहानन स्लार्क इज नोन एज डिस्कवरिंग ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, कोलेरा है, पोलियो है या नन ऑफ एबव है? जोहानन स्लार्क जो है वो हमारे कौन सी वैक्सीन के लिए उन्होंने जो है वो हमारे बनाया हुआ था? तो जोहानन स्लार्क के ऊपर क्वेश्चन है।
तो गाइज हमारे यहाँ पर एक वायरस जनरेटेड डिजीज होती है जिसको हम लोग पोलियो बोलते हैं। तो पोलियो जो है वो जनरल स्लाक ने हमारे बनाया था। तो यहाँ पर पोलियो वैक्सीन के ऊपर टिक करेंगे। बट ये हमारी कैसी वैक्सीन थी? तो ये हमारे इंजेक्शन के थ्रू दी जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ओरल वैक्सीन अभी आप लोग देखेंगे, ओरल वैक्सीन जो है इसको बनाया था अल्बर्ट सबीन ने। अल्बर्ट सबीन जो है इन्होंने हमारे ओरल वैक्सीन बनाया था, अल्बर्ट सबीन। अब यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत अच्छी है कि सिंस 2016 इंडिया बिकम द पोलियो फ्री कंट्री। पोलियो फ्री कंट्री इंडिया को कब डिक्लेयर किया गया है? तो 2016 में। ऑल थ्री क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन मतलब फर्स्ट पोलियो वैक्सीन इन्वेंटेड बाय जॉन स्लाग, ओरल वैक्सीन इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सबीन एंड 2016 पोलियो फ्री डिक्लेयर इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग, लैक्टोज, एल्बुमिन है, कैरोटीन है या कैसीन है। व्हाइट कलर ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो अगर हम लोग व्हाइट कलर ऑफ मिल्क की बात करते हैं जिसकी वजह से हमारा ये व्हाइट कलर का मिल्क होता है, उसमें एक हमारा प्रोटीन होता है एंड दैट प्रोटीन, ठीक है, दैट प्रोटीन, ये हमारा जो मिल्क का प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैसीन। एंड कैसीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइट कलर, ठीक है ना, व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैसीन। लैक्टोज क्या होता है? ये हमारे मिल्क सुगर आप इसको बोल सकते हैं। तो कैसीन इज करेक्ट आंसर, बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु इज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन थे? चैडविक थे, रदरफोर्ड थे, वोर थे या गोल्डस्टीन थे। प्रोटॉन के हमारे डिस्कवरर का नाम क्या था? तो गाइस अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हम सभी को पता होगा हमारे यहां पर जो प्रोटीन है, सॉरी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले कौन थे? तो आई होप सभी को पता होगा, जे.जे. थॉमसन। फिर उसके बाद से अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन जो है ये हमारे प्रोटॉन की खोज करने वाले थे। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो वो थे हमारे जेम्स चैडविक, तो चैडविक न्यूट्रॉन की। तो आई होप यहां पे गोल्डस्टीन के ऊपर टिक करना है, रदरफोर्ड नहीं होगा। रदरफोर्ड इज अ इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज करने वाले जो थे वो रदरफोर्ड थे। तो डी नंबर इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बी सिक्स राइबोफ्लेविन, सी इज कार्बिक एसिड, डी हमारे पास है कैल्सीफेरॉल एंड ई है टोकोफेरॉल। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो गाइज यहां पे देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, हम सी को हम लोग एस्कार्बिक एसिड बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल डी को बोलते हैं, टोकोफेरॉल ई को बोलते हैं। बट अगर हम लोग राइबोफ्लेविन की बात करते हैं तो दिस इज विटामिन बी टू, बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन, बी सिक्स का नाम है पैराडॉक्सिन। तो पैराडॉक्सिन जो है ये हमारे किसका नाम है? तो बी हमारे सिक्स का नाम है। तो पैराडॉक्सिन के ऊपर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ये बिग सिक्स का नाम है। तो करेक्ट आंसर इज ए बिकॉज दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कासिकोर डिजीज इज कॉज ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। कासिकोर्स हमारे और मैसेमरस ये दो डिजीज है, ये किसकी वजह से होती है? प्रोटीन, विटामिन, सोडियम या कैल्शियम। फटाफट जवाब आना चाहिए, देखिए फटाफट सबको जवाब देना है, फास्ट फास्ट जवाब देंगे सभी लोग। तो गाइस यहाँ पे जो सही जवाब है, कैसिकोर एंड मैसेमरस बोथ डिजीजेस आर ड्यू टू द प्रोटीन, प्रोटीन की एफिशिएंसी डिफिशियंसी से ये हमारे डिजीज होती है। तो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या WPO है। वेरी गुड। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज करेक्ट आंसर। डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी को लेकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये हमारे इस इंडेक्स को बनाती है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज कोलोगनी स्विट्जरलैंड, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। गाइस याद रखिएगा किसका? हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वर्ल्ड बैंक हम अभी देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने? अभी 2016 में हुई इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हमारे वर्ल्ड बैंक। जल्दी से सभी को जवाब देना है, कौन है हमारे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन है इसलिए यहां पर हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी गुड। तो गाइज यहाँ पे लोगों का जवाब आना शुरू हो गया कि हमारे यहाँ पे अजय बग्गा इज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, और अभी इंडिया है, इंडियन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजय बग्गा बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनूप सतपति कमेटी वॉज एसोसिएटेड ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग।
मिनिमम वेज रिफॉर्म, चाइल्ड लेबर रिफॉर्म है, फीमेल लेबर रिफॉर्म है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? सर का क्वेश्चन है यहाँ पे हमारी कमेटी से, अनूप सतपति कमेटी। तो अनूप त्रि समिति की अगर हम बात करेंगे, सतपति समिति की, तो ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डिसाइड करती है मिनिमम वेजेस फॉर लेबर। तो मिनिमम वेजेस फॉर लेबर के लिए बनाई गई थी, मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिप्टो करेंसी, पेट्रो हैज बीन डिराइव्ड बाय द विच कंट्री? पेट्रो इज अ क्रिप्टो करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पे बिटकॉइन होता है ना, बिटकॉइन हमने सुना होगा। सिमिलरली पेट्रो इज अ करेंसी ऑफ विच हमारे कंट्री? मार्स आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला या मैक्सिको? ग्रेट। तो गाइज अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर द हिंट मैं आपको देता हूँ, ये हमारा सबसे हाईएस्ट हमारा जो वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिस इज अ वेनेजुला। वेनेजुला इज इंट्रोड्यूस न्यू करेंसी विच इज नोन एज पेट्रो, और दिस इज अ हमारे क्रिप्टो करेंसी। वेनेजुला इज राइट आंसर, एंड फरवरी 2018 में ये करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था वेनेजुला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच बॉक्स ऑफ द एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सब्सिडी WTO एग्रीकल्चर एग्रीमेंट? ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स या रेड बॉक्स? वेरी गुड। तो अंडर विच बॉक्स हैज द एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सब्सिडी WTO एग्रीकल्चर एग्रीमेंट? तो गाइज यहां पे अगर हम बात करेंगे तो सही जवाब है दिस इज द एम्बर कलर बॉक्स। एम्बर कलर इज राइट आंसर, एम्बर इज राइट, सी नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट GST, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडेड बाई PM, इट वॉज द प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट विद द वोटिंग ऑफ 2/3 मेजोरिटी? वन सही है, वन एंड थ्री है, टू एंड थ्री है, या ओनली टू है? विच इज अ करेक्ट आंसर? तो गाइज यहाँ पे अब मैं आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दो। जीएसटी काउंसिल के जो हमारे चेयरमैन होते हैं वो FM फाइनेंस मिनिस्टर होते, PM यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट इज दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्ट नंबर 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द 101 अमेंडमेंट GST वॉज एडेड इन आर्टिकल नंबर 279A, बोथ आर इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आर्टिकल, सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, करेक्ट है। एंड अंडर यूनियन रिप्रेजेंट, यूनियन नहीं, यहां पर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव यहां पर होना चाहिए, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है पावर ऑफ 2/3। तो यहां पे जो सही जवाब है दिस इज द ओनली वन इज करेक्ट। आई होप जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो गया होगा, ओनली वन इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर क्रोनोलॉजिकल, मतलब जो हमारा फर्स्ट हुआ है उसको आपको सबसे पहले अरेंज करना है। नेशनलाइजेशन ऑफ SBI, नेशनलाइजेशन ऑफ RBI, LIC Act and nationalization of 14 private bank, which happened first? तो गाइस अगर हम यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनके सारे ईयर देखते हैं। तो nationalization of RBI happened in 1955 from Imperial Bank to SBI 1955. RBI का nationalization हुआ था 1949 में, 1 जनवरी 1949. LIC Act was happened in 1956 and privatization private bank ka jo nationalization hua tha, that was 14 July 1969. So I hope arrange karte hai to RBI ka nationalization sabse pehle hua, to this is a hamara sabse pehla tha second number, fir hamare State Bank of India ka nationalization one number, fir LIC Act aaya and then aaya hamara private banks ka nationalization. To ye hai hamare option number C mein, this was the correct answer. आई होप ये ईयर आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन इंडिया इन 1984, 1985, 1986 या 1989? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनहेंस्ड इन इंडिया। वेरी गुड। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया, दैट वॉज ईयर इज 1986। तो इन 1986 में इसको इनेक्ट किया गया था, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी लाइन इन द एस्टिमेटेड पीरियोडिकली बाय द कंडक्टिंग सैंपल सर्वे, दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय CSO, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO? तो गाइस यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए था, हमारे यहां पर जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम हो गया, या हमारे यहां पर पॉवर्टी
नेशनल इनकम हो गया या पॉवर्टी लाइन का जो हमारे डिसीजन हो गया, ये दोनों काम जो करता है वो करता है एनएसएसओ, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सही हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI वॉज लॉन्च बाय हूम? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हो या हमारे बैंकिंग रेगुलेशन से कोई भी हमारा रिलेशन हो, वो सारा का सारा जो हमारा रेगुलेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही रिलेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो बी नंबर RBI इज अगेन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेटलमेंट लॉ, विच इज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट लॉ, या हम सेटलमेंट लॉ किसको बोलते हैं? 73rd रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1781, 1786 का एक्ट है, या चार्टर्ड एक्ट 1993, विच इज नोन एज अ सेटलमेंट लॉ? इज नॉट परमानेंट सेटलमेंट लॉ, सिर्फ सेटलमेंट लॉ है। तो गाइज हमारे यहाँ पर एक ऐसा एक्ट आया जिसमें गवर्नर की पोस्ट और हमारे जनरल की पोस्ट इनको सबमर्ज कर दिया गया है ना, दोनों को मर्ज करके गवर्नर जनरल की पोस्ट बन गई, एंड हमारे यहाँ पर फेडरल कोर्ट बन गया। फेडरल कोर्ट जो है ये बना कोलकाता में, एंड बोथ आर हैपेंड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सेटलमेंट लॉ। बट अगर परमानेंट सेटलमेंट लॉ पूछेगा तो दैट वाज हैपेंड इन 1793 बाय द लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो वहां पे हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट सही था। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड द डिप्टी स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेलेक्ट इलेक्टेड एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? ऑप्शन में हमारे पास है एस सी मुखर्जी है, कृष्णमाचारी है, डीएम मुंशी है, के एम मुंशी है, डॉक्टर के एम मुंशी, या बोथ ए एंड बी है। तो गाइज हमारे यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पे अगर डिप्टी स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट आप यहाँ पर बोल पाएंगे, तो गाइज हमारे यहाँ के जो बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसके जो हमारे टम्परेरी चेयरमैन बने या टम्परेरी प्रेसिडेंट जो बने वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। देन उसके बाद से परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने? तो परमानेंट प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद। अब यहां पर पूछा गया वाइस प्रेसिडेंट या डिप्टी स्पीकर, ये बने हरिश्चंद्र मुखर्जी एंड डॉक्टर के एम मुंशी, सॉरी हमारे कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, यहां पे ये दोनों सही जवाब हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो बी नंबर, डी नंबर ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, यहां पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू द 24 जनवरी 1950? 24 जनवरी 1950 में कौन सा हमारा नहीं हुआ था? नॉट नॉट रिलेटेड टू एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, विच इज नॉट हैपेंड? ओके, तो गाइज हमारे यहां पर जो नेशनल फ्लैग है उसको हमने 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया था। इट वॉज डिजाइन बाई पेंग्याली वेंकैया। पेंग्याली वेंकैया इज आर डिजाइनर या आर्किटेक्ट ऑफ अवर नेशनल फ्लैग एंड अडॉप्टेड इन 22 जुलाई 1947। ए नंबर इज करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट हैपेंड इन 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इजी है, फास्ट जवाब देना है, जल्दी से फास्ट 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 जवाब आना चाहिए सबका, फास्ट जवाब आना चाहिए। तो गाइज सभी को पता है इस 42 अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे यहाँ पर, जैसे कि हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लोकायुक्त वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट? राजस्थान। लोकायुक्त वॉज फर्स्ट इन विच स्टेट? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पहला जो लोकायुक्त हमारे डिसाइड किया गया था वो था हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, बी नंबर महाराष्ट्र के ऊपर टिक करेंगे तो महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड? बायोम है, बायोटोप है, इकोटोन है, या सेनार है? द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे उसको? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इकोसिस्टम के जो हमारे दो ट्रांजिशन जोन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज सी नंबर, इकोटोन के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज इकोटोन, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम स्टार्टेड. व्हेन वाज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड? 1960, 1990, 1970 या 1991? व्हेन वाज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड? तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इट वाज स्टार्टेड बाय यूनेस्को इन 1970. एक इसका प्रोग्राम था, यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया था एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1970. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इविल क्वार्टलेट. क्वार्टलेट क्वार्टलेट जो है इट वाज रिलेटेड टू एयर ओजोन डिप्रेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. ठीक है, तो गाइज यहां पे अगर हम देखेंगे तो इविल क्वार्टरेट अगर हम लोग बात करेंगे तो इट वाज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इज 100% सही उत्तर, सी इज राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग बात करेंगे, बाकी का सारा सही है, बट हमारा जो 5 मई है ये नहीं होगा. द 31st मई इज अ नो टोबैको डे. 31st मई डे को हम लोग नो टोबैको डे बोलेंगे. हमारे 2022 का हमारा जो थीम था वो था हमारे थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग, हमारा जो है वो थीम था. बट हमको ये डेज के साथ थीम को भी लर्न करना है. थीम आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 फेब को हमने देखा था हमारा सेलिब्रेट हुआ था, दैट वाज द कैंसर डे जिसका हमारा थीम है क्लोज द केयर ग्रैप. जिससे हमने 2 फेब को हमने रामसर साइट वेटलैंड देखा था, रिस्टोरेशन हमने रिस्टोरेशन करके देखा हुआ था. तो गाइस हमारे मेरा फरवरी के ऊपर फरवरी करंट कंप्लीट करंट अफेयर्स का जो वीडियो है 2022 का, वो आपको YouTube पे यही पर हमारे पीसीएस सारथी पर आपको मिल जाएगा. आप उसको जरूर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. फरवरी कंप्लीट करंट अफेयर्स फॉर हमारे आपको फरवरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, दैट वाज फॉर 300 क्वेश्चन ऑफ दिसंबर जनवरी फरवरी. वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको देखिएगा. ये भी हमारे यही YouTube प्लेटफॉर्म पे है. यहाँ पे हमने सारी चीजें आपको बताई हुई है, थीम्स एंड ऑल थिंग्स. जरूर जाके उसको एक बार देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड द रूट ऑफ प्लांट? सिम्बायोसिस, माइकोजिया, हमारा पैरासिटिज्म या हमारे स्पैरोफाइटिज्म. तो गाइज अगर हम यहाँ पे फंगस अगर हमारे रूट पे लग जाता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोक्रोजिया. तो माइक्रोक्रोजिया इज राइट आंसर. जब हमारे रूट्स होती है और उस पे जा करके ये फंगस इस तरीके से लग जाता है तो दिस इज नोन एज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वन कास्ट इज बेनिफिटेड एंड अनदर वन इज नॉट गेन और नॉर लॉस? म्यूटलिज्म है, कॉमनलिज्म है, पैटर्निज्म, प्रीडेंसन है, देन उसका माइक्रोकोजिया. गाइस यहां पे जो करेक्ट आंसर है दिस इज द कॉमेंसेलिज्म. कॉमेंसेलिज्म व्हेन वन इज इन बेनिफिट बेनिफिटेड एंड अनदर वन इज ऑन नाइदर लॉस नॉन गेन. मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ. मरीन नेशनल पार्क, ओके. तो मरीन नेशनल पार्क इट वाज रिलेटेड टू गुजरात में, ये हमारे अरेबियन सी में देखने को मिलेगा. दैट वाज सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ. ये नंबर करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, फर्स्ट, सेकेंड, सेवेंथ या नाइन्थ? तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के आधार पे स्टेट हमारा जो आया था स्टेट का डिवीजन वो था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सी नंबर इज राइट आंसर, सी 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 राइट इज सी. व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सेशन? टू सेशन का जो टाइम गैप होता है व्हाट इज दिस मैक्सिमम टाइम पीरियड? 3, 6, 9 या 1 ईयर? तो देयर आर 3 सेशन. सबसे पहले बजट स्टार्ट होता है, बजट के बाद हमारा मानसून आता है, मानसून के बाद हमारा आता है विंटर सेशन. तो गाइज ये हमारे 3 सेशन होते हैं और मैक्सिमम गैप जो है वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं होता. तो 3, 6 इज राइट आंसर. 3 सेशन में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होता. बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज प्रोवाइड हमारे एडिजुडिसेक्शन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। एडिजुडिसेक्शन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट किस में आता है? 260, 261, 262, 264। गाइज ये जो हमारे टू रिवर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस वॉज टोटली कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दिस वॉज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल नंबर 262। दिस वॉज द करेक्ट आंसर। हाउ लॉन्ग अ पर्सन होल्ड मिनिस्टेरियल पोजिशन विदाउट बींग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? How long a person hold a ministerial position without being a member of parliament? तो गाइज यहां पे जो सही जवाब है 6 month। Within 6 month he have membership of राज्यसभा और लोकसभा, either राज्यसभा either लोकसभा लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा, सोनी वैष्णव राज्यसभा के मेंबर बने, करंटली ही वॉज द रेलवे मिनिस्टर। विद इन 6 month ही बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा आइदर लोकसभा। विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? प्लेन तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यूज। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइज। यहाँ पे जो सही जवाब है, दिस इज द प्लेन ऑफ तमिलनाडु। प्लेन ऑफ तमिलनाडु इज राइट आंसर। प्लेन ऑफ तमिलनाडु में रेनफॉल होती है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द विंटर सीजन। ए नंबर इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेंगुल डियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? हेंगुल डियर इज फाउंड इन विच ऑफ फॉलोइंग नेशनल पार्क? जिम कार्बेट गिर है, गुरु घासीदास है, दांचीग्राम है। हेंगुल डियर वी कैन फाउंड इन विच नेशनल पार्क? तो हेंगुल डियर जो हमारे होते हैं, दीज आर फाउंड इन दांचीग्राम नेशनल पार्क। दांचीग्राम नेशनल पार्क एंड दांचीग्राम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर इज हमारे दांचीग्राम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैकमोहन लाइन बिटवीन द लाइन ऑफ इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल? ठीक है तो गाइस यहां पे अगर सही जवाब बात करेंगे तो 1914 में इस लाइन को विड्रॉ किया गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सही जवाब है हमारा ए नंबर। ए नंबर के ऊपर टिक करना है। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जो कुंचकिल, रकीम कुंड वाटरफॉल है या केवाती वाटरफॉल है? फास्ट, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? ओके तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 455 meters की हाइट से ये इंडिया में फॉल होता है एंड फ्रॉम कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक स्टेट, कर्नाटक स्टेट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, एंड दिस फ्रॉम द वराह रिवर, वराहा रिवर से ये हमारा फॉल होता है एंड दिस वॉज नोन एज कुंचकिल वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल गलत है, कुंचकिल वाटरफॉल इज राइट आंसर। सारामती पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा? सारामती वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच प्लेस? सॉरी गाइस, हम अगर बात करेंगे यहाँ पे सारामती पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। नागालैंड की ये सबसे ऊंची पीक है। नागालैंड इज करेक्ट आंसर। नागालैंड इज राइट। कंसिडर द फॉलोइंग, द टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इज 77515.5 किलोमीटर। कोस्टल लाइन ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू? तो गाइज यहाँ पे जो सही जवाब है, हमारी कोस्टल लाइन इतनी है बट लॉन्गेस्ट जो है ये गुजरात की है, तो गुजरात हैज हाईएस्ट कोस्टल लाइन, तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द, नुब्रा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग ग्लेशियर? नुब्रा रिवर गेमू है, मिलान है, नैमिक है या सियाचिन ग्लेशियर है? नुब्रा रिवर जो है ये कहाँ से हमारे एसोसिएट होती है? ठीक है गाइज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नुब्रा एंड सियोक आर फ्लोइंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट वैली फ्रॉम लद्दाख, तो यहाँ पे हमारे सियाचिन ग्लेशियर से ये नुब्रा रिवर हमारी ओरिजिनेट होती है, तो नुब्रा रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। 8 degree channel separated बिटवीन नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप एंड मिनिकोए या मालदीव एंड मिनिकोए? 8 degree जो चैनल है इट वॉज सेपरेटेड बाई
ग्रेट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है ये हमारे डिवाइड करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान है निकोबार। 9 डिग्री अगर हम लोग चैनल की बात करेंगे तो ये हमारे लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। अगर हम यहाँ पर 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये हमारे मालदीव्स को मिनिकोय से अलग करता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपको टिक करना है, करेक्ट आंसर डी नंबर। सुभाष चंद्र बोस कंस्टिट्यूटेड द नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद? सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमेटी कब कंस्ट्रक्ट किए थे? ठीक है, तो 1938 हरिपुर सेशन, हरिपुर सेशन था व्हेन फर्स्ट टाइम हमने नेशनल प्लानिंग कमेटी को देखा था, एंड दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फ्रंटियर गांधी वाज द निकनेम ऑफ तेज बहादुर सप्रू खान, अब्दुल गफ्फार खान, क्वीन गाइडिनेलू, जयप्रकाश नारायण? फ्रंटियर गांधी, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? गाइज यहाँ पे लाल कुर्ती आंदोलन को चलाने वाले, लाल कुर्ती आंदोलन को हमारे स्टार्ट करने वाले फ्रंटियर गांधी जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार इज राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन 1857 वॉज ओरिजिनली नेम्ड एज रामचंद्रा पांडुरंगा? कुंवर सिंह है, नाना साहेब है, तात्या टोपे या मंगल पांडे? 1857 में हु वॉज ओरिजिनली नेम्ड एज रामचंद्र पांडुरंगा? गाइज रामचंद्र पांडुरंगा, ही वॉज तात्या तोपे, ही वॉज द कमांडर ऑफ नाना साहेब, तो तात्या तोपे इज नेम एज रामचंद्र पांडुरंगा। सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकल मधुसूदन दास कैप्टिव लेडी, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, जवाहरलाल नेहरू इंडिया स्ट्रगल? विच इज द इनकरेक्ट मैच? तो गाइस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, माइकल मधुसूदन कैप्टन लेडी बिल्कुल सही है, ब्रोकन विंग्स एंड हमारे वीवर्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, बट इंडियन स्ट्रगल दिस बुक इज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने ये बुक को किया था, जवाहरलाल नेहरू इज इनकरेक्ट। सो ओनली हमारे 4 नंबर इज इनकरेक्ट है, तो आपको डी नंबर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल? मिंटो लिंगलित गो है, कर्जन है या कैनिन है? एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल, क्या नाम है उनका, जल्दी से जवाब देना है। ठीक है, तो गाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है हमारे जिनके समय में बंगाल का विभाजन भी हुआ था, डिवीजन ऑफ बंगाल भी हुआ था, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में आया था, लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर। हु एस्टेब्लिश था इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी इन बॉम्बई? 906 डीके कर्वे है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है? इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एक्ट 1906 वॉज स्टार्टेड बाई, ठीक है, इट्स अ डीके कर्वे, डीके कर्वे इज राइट आंसर, डीके कर्वे के ऊपर टिक करना है, इट वॉज स्टार्टेड इन मुंबई, वेरी ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट भगत सिंह सही राजगुरु इन सुखदेव वॉज हैंग्ड? वेरी सैड न्यूज, तो क्या होना चाहिए गाइस? तो गाइस दिस इज अ 23rd मार्च 1931, 1931 में ये हुआ था, सी नंबर इज करेक्ट। इन विच ईयर द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया 1880, 1881, 1883, 1887, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनेक्टेड इंडिया इन, तो गाइज याद रखिएगा, तो ये 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हमारा इनेक्ट हुआ था, तो यहाँ पे बी नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट इज एल एफ रोंगन है, टेवी हमारे तंडानी है, सरजू प्रसाद है या सीपी सिन्हा है? वेरी खतरनाक क्वेश्चन।
अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जिनका टेन्योर अगर आप देखेंगे तो वो टेन्योर था बिल्कुल, दैट वॉज फ्रॉम 1948 टू 1949, आर एफ लॉज्जे। आर एफ लॉज इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज आर एफ लॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत गिलाजरी घाट इज साइंड टू द ट्रिटी ऑफ 1660, 1669, 1663, 1671 या 1693। गिलाजरी घाट इज साइंड इन विच ईयर? द ट्रिटी ऑफ गिलाजरी हमारे जो साइंड है तो ये हमारी सॉरी, तो गाइज ये हमारी जो है वो कौन से ईयर में साइन हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो गाइज ये जो हमारी गिलाजरी जो ट्रिटी है ये हमारे मुगल फोर्ट्स एंड मीर जुमला के बीच में साइन हुई थी, और दिस वॉज साइंड इन 1663, है ना। 1663 इज राइट आंसर। विच अहोम अहोम स्वर्गदेव क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ बरपाटा गोहीम? सुपाताप, सुखाफा, सुंगमुंग। तो सुहुंगमुंग इज अ करेक्ट आंसर। तो बारापाटा गोहीन की जो हमारा पोस्ट है ये हमारे सुहुंगमुंग ने इसको क्रिएट किया था, ही वॉज अ होम लीडर। इन विच ईयर द टी ऑक्शन सेंटर इन गुवाहाटी वॉज एस्टेब्लिश? 1970, 1981, 1982, 1993। टी ऑक्शन सेंटर इन गुवाहाटी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो गाइस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो टी ऑक्शन सेंटर है ये 25 सितंबर को, 25 सितंबर को हमारा ओपन हुआ था 1970, 1970 में। यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए नंबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा? संकोस है, दिहांग है, मानस है या डिब्रू है? वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा कौन सी है? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे वेस्टर्न, सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की वो है हमारी संकोस। संकोस इज राइट आंसर, संकोस के ऊपर टिक करना है, ए नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रिटी ऑफ मजूली। कोच किंग एंड नारा नारायण एंड अहोम कुंग किंग के बीच में हुई थी 1563 में। हु वॉज द अहोम किंग एट दैट टाइम? रुद्रा सिंघा है, हमारे सुख अमप्पा है, प्रताप सिंघा है या प्रताप सिंघा है? तो गाइज यहाँ पे सही करेक्ट आंसर है सुग अमा पापा इज राइट आंसर, बी नंबर इज करेक्ट आंसर है ट्रिटी ऑफ मजूली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम? डरडरांग है, कामरूप है, बारपेटा है या इनमें से कोई नहीं? अहम कामरूप एम इज राइट आंसर। अहमोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द कामरूप एम। कामरूप एम इज करेक्ट आंसर। माई बेबीज वाइज आर देयर। इन विच ईयर द बैटल ऑफ सारागढ़ी वॉज फॉट? सारागढ़ी बैटल जिसपे ऊपर मूवी बनी है हिंदी मूवी केसरी, केसरी मूवी, वी हैव लिसन द नेम ऑफ केसरी मूवी, अक्षय कुमार की मूवी है। 1671 है, 1681 है, 1619 है या 1623 है? सारा घाट की जो
तो 1671 दिस सॉरी दिस इज सराई घाट की लड़ाई, इज नॉट सारागढ़ी लड़ाई। तो सराई घाट की जो हमारी बैटल है दिस वॉज हैपेंड इन 1671। करेक्ट आंसर द ग्रैंड मदर ऑफ शंकरा देव वॉज हीरावती, सांदानी देवी केरुसुती है जीरा देवी। वॉट वॉज द नेम ऑफ ग्रांड मदर शंकरा देवा? तो दैट वॉज अ केरसूती, केरसूती सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द स्टैटिक विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड? फाइनेंस, डिफेंस, होम अफेयर या एजुकेशन? लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड विच इज द विच मिनिस्ट्री? फाइनेंस, डिफेंस, होम अफेयर या एजुकेशन? तो गाइस जो हमारे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इन इंडिया करेंटली। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है। इंडिया इज अनाउंस सेंडिंग द यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यूनिट टू द यूएन पीस कीपर ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? साउथ सूडान है, माली है, सोमालिया है या युगांडा है? तो साउथ सूडान इज करेक्ट आंसर। साउथ सूडान यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप एन आयुर्वेदा एकेडमिक चेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन यूनिवर्सिटी? फर्स्ट एकेडमिक चेयर इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टार्टेड बाय द आयुर्वेदा विच वॉज सिंगापुर है, हार्वर्ड है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है? बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2023, आईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, जेएनयू है या डीयू है? बेस्ट हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सही समझ रहे हैं, दिस इज आईटी हमारे बॉम्बे। आईटी बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। आईटी बॉम्बे के ऊपर टिक करना है, तो बॉम्बे इज राइट आंसर। बॉम्बे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्टार्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिंग द वर्ल्ड फर्स्ट इन हेलेबल वैक्सीन कोविड-19? इंडिया, चाइना, यूएस या यूके? फर्स्ट हमारे इन हेलेबल वैक्सीन जो है वो किसने सेटअप किया हुआ है? गैस चाइना इज राइट आंसर। फर्स्ट इनहेबल वैक्सीन वॉज सेटअप बाय चाइना, तो चाइना के ऊपर टिक करके आप यहां पे मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस
मालदीव, फिजी, इंडिया या श्रीलंका हूँ। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज सेटअप बाय विच कंट्री? तो गाइज यहाँ पे ये फिजी इज राइट आंसर। सुवा इज द कैपिटल ऑफ फिजी। वे आर वी कैन सी द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। रिसेंटली बांग्लादेश हैव सीवरली हिट बाय द साइक्लोन सितारंग। इट वॉज नेम ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री? मलेशिया, इंडिया, थाईलैंड या इंडोनेशिया? ग्रेट गाइस, थाईलैंड से ये साइक्लोन आया था। थाईलैंड से सितारंग साइक्लोन वी कैन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेवलप द वर्ल्ड बिगेस्ट स्पोर्ट्स सिटी इन इंडिया? दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल या अहमदाबाद? वर्ल्ड बिगेस्ट स्पोर्ट्स सिटी इन इंडिया गाइस, अहमदाबाद इज राइट आंसर। अहमदाबाद इज बिकम द वर्ल्ड बिगेस्ट स्पोर्ट्स सिटी इन इंडिया। स्टेट कैपिटल रीजन SCR ऑफ द लाइन ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन? मध्य प्रदेश, राजस्थान, UPI, बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेड अ प्रपोजल टू डेवलप अ स्टेट कैपिटल रीजन SCR इन द टर्म ऑफ NCR? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यूपी इज अ स्टेट वेयर वी कैन सी द SCR। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलप इंडेक्स? 130, 132, 133 या 131? तो फिनलैंड ऑन द टॉप। फिनलैंड इज टॉप इन दिस रैंकिंग एंड इंडिया इज ऑन 132। 132 इंडिया की रैंक है, 132 एंड फिनलैंड ऑन टॉप। हु अमंग द फॉलोइंग इज हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स? एस जयशंकर है, रुचिका कंबोज, माइकल बेकेट है या वॉल्ट टर्क? ह्यूमन राइट्स के न्यू एम्बेसडर इन इंडिया ठीक है। तो गाइज यहां पे जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वोल्कर टर्क इज राइट आंसर। वोल्कर टर्क इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीरज चोपड़ा फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग टाइटल इन जेवलिन थ्रो? इट वाज हेल्ड इन विच प्लेस? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, हंगरी या स्वीडन? नीरज चोपड़ा फर्स्ट इंडियन विच हु विन द डायमंड लीग? तो दिस वॉज हैपेंड इन लुसाने, एंड लुसाने इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। तो ए नंबर स्विट्जरलैंड इज करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग नेम द मिस अर्थ 2022? मानसी, रश्मि, वंशिका या निमिषा सक्सेना? तो गाइज यहां पे जो सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर, वंशिका परमार। तो मिस अर्थ 2022 इज वंशिका परमार। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशिका परमार राइट। Which of the following will be the first World Heritage Site in the country to have hydraulic lift facility? Ajanta Cave, Ellora, Taj Mahal या हमारे आगरा फोर्ट? First UNESCO Heritage Site which have introduced hydraulic lift facility? तो UNESCO Heritage Site अगर you can see in Maharashtra, Aurangabad, Maharashtra के Aurangabad में you can see, and this is known as Ellora Caves. Ellora Caves में you can see hydraulic lift. The people force of which of following state received the President Color Award? Gujarat, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. So in 2022, a President Color Award given to the Tamil Nadu, but in 2023 recently we have seen Haryana Police won the President Color Award. यहाँ पे हमसे पूछा था 2022 का, तो आप Tamil Nadu टिक करेंगे, but 23 का पूछेगा तो Haryana win this prize. Which of the following is the official slogan of the Paris Olympic 2024? Game wide open है, united by emotion है, new world है, inspire a generation है। तो गाइज यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द गेम्स वाइड ओपन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वाइट ओनियन इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ विच प्लेस, अलीबाग, सूरत, इंदौर या नन ऑफ दीज, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ विच प्लेस, वाइट ओनियन। वाइट ओनियन इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ अलीबाग, ऑप्शन नंबर ए अलीबाग इज राइट, ए नंबर इज राइट। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, नई दिल्ली, नागपुर, पुणे या मुंबई। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च फर्स्ट डबल डेकर बस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो गाइज यहां पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, द फर्स्ट सिटी वेयर वी कैन सी द डबल डेकर बस एंड दिस वॉज इलेक्ट्रीफाइड, ऑल्सो इलेक्ट्रीफाइड डबल डेकर बस इन मुंबई, मुंबई यू कैन सी डी नंबर ऑप्शन। मेंस ट्रिपल जंप एट द कॉमनवेल्थ गेम्स वन द गोल्ड मेडल, अबू अब्दुल्ला अबूकर है, अविनाश सबले है, एदलोस पॉल है, मुरली श्री शंकर है। तो इन कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया गॉट फोर्थ रैंक एंड टोटल 61 मेडल विन बाय इंडिया इन विच 22 मेडल आर इन गोल्ड। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड हैपन इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया इन 2026। तो एडलस पॉल इज राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 वॉज हेल्ड इन विच सिटी, भुवनेश्वर, दिल्ली, भोपाल या राउरकेला। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग वॉज सिचुएटेड इन विच प्लेस, ठीक है, करेक्ट आंसर इज अ न्यू दिल्ली, ध्यानचंद स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम यू कैन सी दिस हमारा इवेंट हैपेंड। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 1897 हु ट्रांसलेटेड द बरगांव कॉपर प्लेट इन रतनपाला, डॉक्टर रॉक्सन है, एस के भुयान है, ई जी गालजी है या डॉक्टर होमिली है। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर होमिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द प्लेस वेयर द मानस रिवर ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र, मानस रिवर वेयर मानस रिवर ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। गाइस यहां पे सही जवाब हो जाएगा, दैट वाज द जोगी फोपा, जोगी घोपा इज राइट आंसर, जोगी घोपा मतलब बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अहोम किंग विच क्रिएटेड द बरफुकाम फॉर द फर्स्ट टाइम, इस वॉज द चक्रध्वज, प्रताप सिंहा, शिवा सिंहा, हमारे गदाधर सिंहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओहम किंग क्रिएटेड द बरफुकान फर्स्ट टाइम, तो गाइस सही जवाब हो जाएगा प्रताप सिंहा। तो प्रताप सिंहा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बरफुकान फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय प्रताप सिंहा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैश क्रॉप इज नॉट प्रोड्यूस इन आसाम, दैट वॉज द रेपी सीड है, टोबैको है, सोयाबीन है या कॉटन है। कैश क्रॉप इज नॉट प्रोड्यूस इन आसाम, तो करेक्ट आंसर इज अ सोयाबीन, सोयाबीन एज अ कैश क्रॉप इट इज नॉट प्रोड्यूस इन आसाम, सोयाबीन इज 100% करेक्ट आंसर, ये आसाम में प्रोड्यूस नहीं होती है, बाकी ऑल आर प्रोड्यूस इन आसाम। In 2011 census, the growth rate of population of Assam during the decade of 2011 to 2001 is the growth rate of how much population growth rate in Assam. The correct answer is the 17.7 is right answer. C is correct answer. Next question is which Mughal general invaded the Ahom kingdom for occupied Gurgaon? तो करेक्ट आंसर इज मीर जुमला, तो मीर जुमला इज अ किंग हु हमारे इन्वेडेड द अहोम किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट वर्क ऑफ शंकर देवा, शंकर देवा इट वॉज अ कीर्तन घोसला, भक्ति घाटा, कथा गीता या भागवत कथा। शंकर देव रिटन बुक वॉज इट वॉज अ कीर्तन घोसा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किंग बिस्वा सिंघा वॉज द फादर ऑफ धर्मानारायण, मल्ला, नीलांबर, हरिया मंडल। किंग बिस्वा सिंघा वॉज द फादर ऑफ ग्रेट, तो करेक्ट आंसर इज अ हरिया मंडल, मतलब डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ फॉरेन इन्वेडर who came, who recorded his account that come in the
कामोलूपो इस टोलेमी चुहान स्वांग एडवर्ड गेट या अब्दलुरुनी गाइज राइट आंसर इज अबी चुहांग चुआंग इज राइट आंसर बी नंबर चुहांग चुआंग इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असम लैंड एरिया. व्हाट इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ असम. 7,8438 किलोमीटर स्क्वायर, 5,74 किलोमीटर पर स्क्वायर, 5,9786 किलोमीटर पर स्क्वायर या 7,8736 किलोमीटर पर स्क्वायर. तो गाइस यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 7,8438 किलोमीटर पर स्क्वायर इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिया मंडल इज द फादर ऑफ ग्रेट कोच किंग बिस्वा. ही वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच विलेज ऑफ गोला पारा डिस्ट्रिक्ट. कोच बेरा, कुंटा घाट, चिकना बारी या नन्ना फेबक. तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी नंबर. सी नंबर इज राइट आंसर. तो गाइज अगर आप जो है वो इस पूरे क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक को, है ना, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. तो आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके हमारे इस पूरे क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं. तो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू क्वेश्चंस एंड